हर साल अगस्त या सितंबर का महीना भगवान गणेश के आगमन की अपार खुशी से भर जाता है। हमें गणेश चतुर्थी के पहले से ही हमारे घरों में, सड़कों पर और बाजारों में गणेश चतुर्थी के उत्सव की तैयारियां देखने को मिलती हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश का जन्म उनकी माँ के पसीने और मिट्टी से मिलकर हुआ है, और ये बात भी साफ है कि भगवान गणेश, जिनका जन्म मिट्टी से हुआ है, उन्हें भी अंत में मिट्टी में ही मिल जाना होता है। परंपरा के मुताबिक भगवान गणेश की मूर्ति को मिट्टी से बनाया जाता था और प्रक्रिया के अंत में भगवान के विसर्जन के साथ सब कुछ प्रकृति में विलीन हो जाता है। पर अब बाकी सभी त्योहारों की तरह गणेश चतुर्थी के त्यौहार का भी व्यवसायीकरण हो चुका है। अब गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति की जगह बाजार में POP की प्रचलित मूर्तियाँ बेची जाती हैं, जिन पर सिंथेटिक पेंट किया जाता है। दुख की बात तो यह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी ये मूर्तियाँ ना तो कभी पानी में घुल पाती हैं और साथ में पानी का ऑक्सीजन लेवल भी कम कर देती हैं। इससे ना तो भगवान गणेश का प्रकृति में विलीन होने का उद्देश्य पूरा हो पाता है और साथ ही में पर्यावरण और पानी में रहने वाले जनजीवों को काफ़ी नुकसान भी पहुँचता है। इस समस्या का समाधान तो आसान है, पर उसके लिए हम सभी को अपना पूरा पूरा योगदान देना होगा। क्यों ना इस साल हम सभी गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान की POP से बनी मूर्ति ना खरीदें और अपने घरों में क्ले, मिट्टी या गोबर की मदद से भगवान की प्रतिमा का निर्माण करें। 4 अलग अलग तरीकों से इको फ्रेंडली गणेश जी बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले गोबर से बने गणेश, दूसरा वृक्ष गणेश, तीसरा चॉकलेट से बने गणेश और चौथा फिटकरी से बने गणेश। सबसे पहले अगर हम बात करें गोबर से बने गणेश जी की, तो भारत देश में गाय को पूजनीय माना गया है और गाय के गोबर और गौमूत्र को भी पवित्र माना जाता है। इससे बने गणेश जी को विसर्जित करने के बाद पानी में किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होगा और इससे जानवरों को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वृक्ष गणेश की बात की जाए तो इन्हें काफ़ी सरल उपायों से तैयार किया जा सकता है, और वृक्ष गणेश के अंदर पौधों के बीज होते हैं। इन्हें मिट्टी से भरे पात्र के ऊपर स्थापित किया जाता है और विसर्जन के बाद गणेश जी के अंदर जो बीज हैं उनका अंकुरण होने लगता है, और त्यौहार खत्म होने के बाद जब इन्हें विसर्जित किया जाता है तो गणेश जी की मूर्ति के अंदर के बीजों का अंकुरण शुरू हो जाता है। वृक्ष गणेश से हम सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं बचाते, बल्कि साथ में हम पौधों को उगाकर पर्यावरण संरक्षण का भी हिस्सा बनते हैं। चॉकलेट से बने गणेश जी का विसर्जन दूध में किया जाता है और कई बार अनाथालयों में बच्चों की खुशी के लिए उसे मिल्क शेक के रूप में वितरित भी किया जाता है। चॉकलेट से बने गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करना भी आसान है। बस एक बड़े कटोरे में मूर्ति को रखकर शीर्ष पर गर्म पानी या दूध डालकर गणेश जी को विसर्जित किया जा सकता है। अगर बात की जाए फिटकरी से बने गणेश भगवान जी की, तो वह आसानी से पानी में घुल जाते हैं, और क्योंकि फिटकरी का इस्तेमाल पानी के शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है, तो उनके विसर्जन के बाद पानी में किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता। ये थे कुछ उपाय जिनकी मदद से हम इस साल गणेश चतुर्थी का उत्सव पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए मना सकते हैं। POP की मूर्तियां सस्ती होने के कारण हर साल खूब बिकती हैं, जिसके कारण हमारे आसपास के सभी जल निकाय इन मूर्तियों से भर जाते हैं और मजबूरन सरकार को इन्हें बुलडोज़र की मदद से ध्वस्त करना पड़ता है, जिसे गणेश चतुर्थी के पर्व का जो उद्देश्य होता है वो असफल रह जाता है। तो चलिए इस साल हम सब मिलकर पर्यावरण की सुरक्षा की ओर एक कदम बढ़ाते हैं और इस साल के गणेश चतुर्थी के पर्व पर हम भगवान गणेश अपने घर पर बनाते हैं।